अस्सलाम वालेकुम और खैरियत से हैं, आप बताइए कैसे हैं। अच्छा, मेरा ये सवाल था, जैसे हम लोग जैसे ये कुरान शरीफ के जो सिपारे होते हैं, ये कुरान शरीफ के वर्क के मतलब जो सिपारे होते हैं, और जैसे हम पढ़ लेते हैं घर में रखे रहते हैं, ये छोटी मोटी आयत के छोटे मोटे टुकड़े होते हैं, इन्हें अगर जैसे अब तो हम कुरान शरीफ पढ़ चुके हैं तो इनको मतलब कहाँ रखवाएं, पानी में बांधे ये रखवाएं, समझ में नहीं आता। घर में रखी हुई है ये सल्लम कुरान है, और जो बहुत सी छोटी छोटी दुआएं लोग बस छाप देते हैं वो सब रखी है, समझ में नहीं आता क्या करें इनका। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टी वी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल जद्दा से, मुमलकत सऊदी अरब। सबा हैं दिल्ली से, हमेशा सबा बहुत छोटा सवाल भेजती हैं और मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जिनके सवाल बहुत क्लियर होते हैं और छोटे होते हैं। मुझे बहुत आसानी हो जाती है समझने में भी, और उन्हीं को मैं सेलेक्ट करता हूँ ताकि आपके ऊपर भी कोई बोझ ना बन पड़े। हमारे चैनल का फॉर्मेट बहुत सिंपल है, वॉइस मैसेज कर दीजिए, हम यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर आपके सवालों के जवाब लेकर हाजिर हो जाते हैं। सभा ये जानना चाह रही हैं कि अगर कुरान करीम या मुसहफ या दुआइया किताबें या वो औराक जिन पर आयात लिखी हैं घरों में हमने महफूज कर लिए हैं और हम पढ़ते भी नहीं हैं, ऐसी सूरत में उन औराक का या उन मुसहफ किताबों का या उन दुआइया किताबों का क्या करें जो कि घर में पड़ी हुई हैं और पोसीदा हो चुकी हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं शेख अब्दुल अज़ीज़ इब्न बास, मुफ्ती मुमलकत सऊदी अरब की महफिल में उनसे यही सवाल किया जा रहा है, वो इस सिलसिले में क्या जवाब देते हैं। शेख अब्दुल अज़ीज़ इब्न बास, मुफ्ती मुमलकत सऊदी अरब, कह रही हैं कि क्या हमारे लिए जायज़ है कि उन औराक को जिन पर कुरान करीम की आयात लिखी हुई हैं जला दें, इनको बेहुरमती से बचाने के लिए इन आयात को। नाम शेख फरमा रहे हैं, नाम नाम का मतलब होता है हाँ ठीक है, हाँ आप कर सकते हैं, ये दुरुस्त बात है और सही मौक़िफ़ यही है कि उनको चलाने में ही सुन्ना, शेख ने फरमाया कि सुन्नत यही है कि उन्हें जला दिया जाए, औ दफना फी अर्द तय्यिब, या ऐसी ज़मीन में उन्हें गाड़ दिया जाए, दफन कर दिया जाए जो कि पाक और साफ जगह हो। ऐसे औराक, ऐसा मुसहफ, ऐसी किताबें, दुआइयाँ किताबें जो कि बोसीदा हो गई हों, पुरानी हो गई हों, उन्हें उनका हुक्म यही है। आप वो किताबें, वो कुरान करीम के नुस्खे जिनका इस्तेमाल करना नहीं है और वो बहुत बोसीदा हो गए हैं, फट गए हैं, तो उनका हुक्म ये है कि आप उनको जला दें। तो ये मसनून अमल यही है और इसी में आफियत है। बहरहाल जलाने के सिलसिले में भी चूँकि दिल्ली में आयशा गालिबन नाम है उनका, आयशा खिलजीएस, उन्होंने मुझसे पूछा था कि हमारे वालिद की बहुत सारी किताबें हैं, ऐसी सूरत में जलाना भी मुमकिन नहीं है, और ऐसी सूरत में हम उनको क्या करें, क्योंकि अगर आप जलाएँगे बहुत सारी किताबों को तो म्यूनसिपल्टी वाले आ जाएंगे, धुआं कहाँ से निकल रहा है और ये आप क्या जला रहे हैं। तो बेहतर ये है कि उन्हें आप दफन कर दें ऐसी जगह लेकर, कब्रिस्तान में या किसी ऐसी जगहों पर जो कि पाक और साफ़ जगह हैं, उन्हें आप दफन कर दें, यही सुन्नत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको दीन पर अमल करने में आसानी करने वाला बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत शुक्रिया सबा इस मुख्तसर तर्ज सवाल पर, मैं आपको अगर किसी को देना होता ना अवार्ड तो मैं आपको देता, सही बताऊं। बहुत सारी ख़वातीन हैं, बहुत सारे मर्द हजरात हैं जो कि तीन तीन चार चार मिनट के सवाल करते हैं। भाई चार मिनट का सवाल, एक खातून का अभी मैसेज आया मेरे पास, 25 मिनट की ऑडियो है उनकी, तो मैंने कहा मेरी बहन मैं कैसे सुन पाऊँगा आपकी ऑडियो, तो आप मुझे पैसे दीजिए मैं आपकी ऑडियो भी सुनूंगा और आपके हर मसले का हल भी बताऊंगा, लेकिन अगर आप ये चाहती हैं कि मेरे लिए भी आसानी हो तो एक मिनट से
ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सवाल को वाइंड अप कर दीजिए, हम आपका जवाब भी देंगे और आपको अवार्ड भी देंगे। अवार्ड क्या है? मेरी तरफ से दुआएं हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हर तरह की आजमाइशों से बचाए और सुकून अता फरमाए, और गर्मी के इन दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको राहत बख्शे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.